तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलियुग की दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है, बाप को याद करने का पुण्य करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रालब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते, उसे कुल कलंकित कहा जाता है, वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं, यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है, वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है। इसको बाबा कहे सबको रास्ता बताने की। हम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है सब पर। कैसे? तो सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी है, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद ही नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता, बाबा कहे किसको बड़ा रोला माना विघ्न बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता, पड़ता तो जरूर है, कहीं ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं, अवस्था में एकदम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। बाबा कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरों का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। समझो,
आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं, तो पहले से भी जस्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं। बाबा कहे इसलिए पहले से भी जस्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं ना, तो वह खाता जमा के बदले क्या हो जाता, ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं, पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी यानी कमाई संभाली जाती है ना, जमा और ना की जैसी मुरादी मना कमाई संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे, ये हिसाब किताब को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है, काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम, नंबर वार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके, वह दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है, कारण क्या, चल न सका। जैसा कर्म है तो ये कर्म की गुह्य गति, बाबा कहे जितना पाप कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म उसको खींच के ले जाते हैं, तो चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई, नहीं, कामी की बनाते हैं। रावण ठहरा ना, बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, बिल्कुल हरा बैठे हैं, तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो, क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे, तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, अर्थ कोई नहीं समझते हैं, कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं, तो वह भक्ति किस काम की, न जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, दान पुण्य किया फल मिला लेकिन अल्पकाल के लिए, कागविष्ठा के समान सुख, अल्पकाल के लिए कागविष्ठा समान सुख मिल जाता है। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्ठा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं, जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। इतना बाबा को याद करना है जो पुराना खाता खत्म भी हो और नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते हैं इसमें धन आदि की बात नहीं है, यह है पुण्य कर्म के खाते को जमा करने की बात। तो बाबा कहे इसमें धन आदि की बात नहीं है, यह तो है कि पाप कैसे मिटे,
मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है। करके इस जन्म का अगर लिख करके दे देंगे तो थोड़ा माफ हो जाएगा, लेकिन बाबा कहे पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो, विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा, सत्युग आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सत्युग आदि में जन्म ले सकेंगे। ना बाबा कहे इतनी मेहनत अपने आप से करनी होगी, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। मेहनत करने वाला कभी कोई छिपा नहीं रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सत्युग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। बाबा कहे इसलिए बाबा को बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। बाबा कैसे करण करावनहार बन किसी से भी करा लेते हैं, तो बाबा कहे सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, संगठन में मिल करके इस कलियुगी दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कांध मिलता है ना। बाबा कहे सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की, योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है, यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। ये बिंदी का राज क्या है कि बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। तो बाबा कहे और आगे भी सुनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है याद, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। हाँ, इतना सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते परंतु कैसे बिंदी को याद करे, कैसे बिंदी को देखे, है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद रख करना है। बाबा कहे कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं
उनका नाम रूप देश काल क्या है? बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं? कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं, जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं, बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं। चलो विकारों से तो छूट गए, बाबा कहे वह भी कम बात नहीं। बाबा समझाते हैं, तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्म का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी, यह निशानी अंत तक दिखाई देंगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही है दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर, रहम करो तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान को याद करो। परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते, सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है, बाप ही सिखलाते हैं। अपने को आत्म समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, यह किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहां तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है, भक्तों को पता नहीं चलता है, उनको समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहां भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। बाबा कहे तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी है। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। उसमें सब आ गया, माय बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वही सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजब
कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, बाकी जो न भरी ढोएंगे न पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उनको क्या कहेंगे। उनको बाबा आज टाइटल देता है ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप बिंदी है। इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है, बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब है। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डूबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इसी समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। यहाँ ज्ञानी तू आत्मा बन, बेफिक्र बनेंगे। आज का स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।